गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 18-19 रिंग, और जो कि मीनाकारी रिंग्स है। ब्रांडेड क्वालिटी के ब्रांडेड रिंग्स सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो टाइप थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। ज़्यादातर वीडियो आजकल मेरे आर्टिकल बेस्ड आ रहे हैं, वीडियो कम आ रहे हैं, बट ह्यूज अमाउंट में आपको मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मिले। सारे जो प्रोडक्ट दिखाऊंगी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के अमेज़ॉन फिंगर रिंग। सबसे पहले इसमें है, ये है ज़वेरी पर्ल्स के। ज़वेरी पर्ल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ईयर रिंग्स के एक हॉल आए हैं, जहाँ पे मैंने 12 ईयर रिंग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, झुमके प्लस टॉप्स, उनमें से एक ये है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिए हैं, तो वो देख लेना। तो आज के वीडियो पे लौट के आते हैं। आज के वीडियो में जो रिंग है ज़वेरी पर्ल्स के है, एक एक रिंग है, किसी में कॉम्बो में भी है, आपको दिखाती हूँ। दिस वन, ये तो मैं इसके बारे में पहले डिटेल बता देती हूँ। ये है ज़वेरी पर्ल्स मल्टी कलर मीनाकारी लोटस डिज़ाइन कुंदन फिंगर एडजस्टेबल रिंग फॉर वुमन। इसके नंबर भी दिए हुए हैं, ये कुंदन में है, एडजस्टेबल है और मीनाकारी है। मीनाकारी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं ना उससे थोड़ा सा हटके हैं, और कई सारे मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस के साथ मैच करते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। करेंट प्राइस चल रहे हैं 333 रुपीज़, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये है प्रोडक्ट, एडजस्टेबल रिंग होना ज़रूरी है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर एडजस्टेबल नहीं है तो आप किसी भी साइज़ में परचेस कर लोगे, फिर उसको रिप्लेसमेंट करवाना बहुत हेक्टिक हो जाते हैं। तो ये एडजस्टेबल है पीछे, इसके डिज़ाइन देखो, देखा ऐसे बीच में जो है ये लैमिनेशन टाइप के है, उसके नीचे मीनाकारी है, लोटस डिज़ाइन किए हुए हैं और साइड में कुंदन है। मुझे स्टोन से ना कुंदन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। सो दिस वन क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो मैं इसको थोड़ा सा डाल के दिखा देती हूँ। वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो मैंने एडजस्ट भी कर लिए हैं, तो मेरे हाथ के ऊपर ऐसे लग रहे हैं, वैसे मेरे नेल्स नहीं हैं तो इसीलिए हैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है नहीं, बस आपको डेमो ही दिखाना है। ऐसे लग रहे हैं, अगर आप कोई भी वेडिंग वेयर, कोई भी फेस्टिव वेयर, गाउन के साथ, साड़ी के साथ, ऐसे वाले ट्रेडिशनल रिंग्स जो कि मीनाकारी में हो, कुंदन में हो, डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है इसका, एकदम यूनिक पैटर्न है, तो आप ऐसे डाल सकते हो। डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छे से देख लो, दिस वन मुझे ये बहुत पसंद आए। क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज, पैटर्न वाइज मेरी तरफ से तो 100% अप्रूव है। नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसमें तीन फिंगर रिंग के सेट है, ज़वेरी पर्ल्स, अगेन बहुत सारे ज़वेरी पर्ल्स से है। सेट ऑफ थ्री वेडिंग कलेक्शन एडजस्टेबल फिंगर रिंग फॉर वुमेन, इसके पीछे भी नंबर दिए हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तीनों रिंग कॉम्बो में है, 350 रुपीज़ ऑफर में चल रहे हैं। तीनों के डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अभी आपको ओरिजिनली दिखाती हूँ। तो चलो मैंने इसको ओपन कर लिए हैं, बहुत ही टाइट सा पैकेजिंग दिया हुआ है, क्योंकि इसमें थ्री रिंग्स है और वो अलग अलग पैकेट में आए हैं अंदर से। फर्स्ट वन इज दिस वन, आपको स्किन के ऊपर भी दिख रहे हैं, मैं अलग से आपको ये डाल के भी दिखाऊंगी, हर एक हॉल ट्राई और हॉल होगा। फर्स्ट वन इज दिस वन, पिंक में है, अंदर तो मीनाकारी है ही और कुंदन का काम है, बीड्स का काम है और बीच में भी कुंदन है, कितना सुंदर लग रहा है ये। मुझे वाइट और बेबी पिंक में, आई थिंक आपको कलर दिख रहे हैं अभी, वाइट और बेबी पिंक में एग्जैक्टली वैसा जैसा था वैसा ही है। इसको मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, ये भी एडजस्टेबल है और क्वालिटी वाइज ये भी मेरे लिए अप्रूव ही है, तो आप इसको सीधा करके डाल सकते हो, उल्टा करके डाल सकते हो, दोनों तरफ से ही बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। किसी भी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ आप साड़ी डाल लो, गाउन डाल लो, शरारा सूट्स डाल लो, उसके साथ तो बहुत अच्छी तरह से जाने वाली है ये।
मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आए, मेरी तरफ से तो 100% अप्रूव है। तो इसके कॉम्बो वाले बाकी के रिंग्स दिखाती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये, सेम पैकेजिंग में ही थे, तो चलो ज़वेरी पर्ल्स के आपको ये दिखा देते हैं। इसके शेप ऐसे है रेक्टेंगल में, तो आप इसको ऐसे डालो या ऐसे डालो, एक ही बात है। ये देखो इसके पूरे के पूरे शेप, तो आपको डाल के भी दिखा देते हैं, रिंग एडजस्ट भी कर लेते हैं। दिस वन, ये वाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है और पूरे चारों तरफ इसके बीड्स लगे हुए हैं, एग्जैक्टली जैसे फोटो में था वैसे ही है। मेरे तरफ से ये भी अप्रूव्ड। इसके क्वालिटी, इसके कलर, इसके मटेरियल, इसके लुक मुझे बहुत पसंद आए। और थोड़ा सा यूनिक चीज़ें डालोगे ना तो सबके अटेंशन तो आपके ऊपर ही होंगे। तो ये खोल लेते हैं, आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है अगेन राउंड शेप में, और ये है कुंदन वाले। ज़्यादातर मैंने जो लिए हैं वो कुंदन वाले ही है, थोड़ा सा बीड्स, कुंदन और ज़्यादातर मीनाकारी है। मीनाकारी के साथ कुंदन का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है। बट ये क्या हो गया, क्वालिटी इशू। यहाँ पे देखो इसके जो बिड्स है ना, वो तो देखो थोड़ा सा लगे हुए, थोड़ा सा खुल गया है। ये आप एडजस्ट कर सकते हो, फेविक्विक वगैरह से ये लगा सकते हो, बट इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आप जब भी नया प्रोडक्ट खोलो वो ऐसे खोल के आपके हाथ में आ जाए। ऐसे बिड्स वाले चीज़ों को ना एक्चुअली में अवॉइड करना चाहिए, ऐसा है नहीं, बट जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सही होना चाहिए। एक्चुअली ब्रांडेड है और 333 रुपीज़ में तीनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ तो क्वालिटी इशू हुआ होगा। तो इसको एक बार डाल के तो देख लेते हैं। ओवरऑल लुक बहुत सुंदर है। अगर आपके पास ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हो एडजस्ट, इसको लगा के फेविक्विक फेविकॉल से लगा सकते हो। इसके लुक कुछ इस तरह से है। ड्रेसेस के साथ मीनाकारी प्रोडक्ट्स, मीनाकारी चीज़ें मैच करना बहुत सुंदर लगता है मुझे, ऐसे मैचिंग मैचिंग चीज़ें डालना। बट क्वालिटी इशू है, अगर मैं इसको रिजेक्टेड भी कहूँ, बट इसके जो ओवरऑल लुक है, कुंदन वाले काम है या मीनाकारी जो कलर है वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। दिखाई दिया ये कुछ इस तरह से है, बट बिट्स जो है वो मेरे हाथ में खोल के आ गए। सो इसलिए मैं इसको अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इशू मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, बट ओवरऑल लुक बहुत सही है। नेक्स्ट आर्टिकल में मेरे पास जो है अगेन फ्रॉम ज़बेरी पर्ल्स, और बन नहीं बताऊँगी, सारे ज़बेरी पर्ल्स के हैं, एक वॉयला के हैं तो वो मैं बता दूंगी कौन से वाले वॉयला के हैं। ज़बेरी पर्ल्स सेट ऑफ 3 मल्टी कलर मीनाकारी ट्रेडिशनल एडजस्टेबल रिंग्स फॉर वुमेन, नंबर भी दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो। इसके ऊपर भी तीनों के कॉम्बो है, एक पीच और पिंक में, स्काई ब्लू और पिंक में, और ग्रीन कुंदन में गोल्डन के साथ, सारे के बेस गोल्डन है। तो चलो इसको मैंने ओपन करके रखे हैं, आप लोगों को दिखाना है। और इसके प्राइस मैंने नहीं बताया, प्राइस है 339 रुपीज़ में मुझे तीनों मिल रहे हैं। क्वालिटी चेक करेंगे, इसको कैसे एडजस्ट करना है वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इस तरह से है जैसे कि था आर्टिकल में। मुझे तो ये आर्टिकल से कई ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये एकदम ही 2D लग रहे थे, बट ये तो 3D में है। आई थिंक आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा डाल के आपको दिखा देती हूँ। दिस वन देखो, ऊपर एक गोल्डन कलर के कवरिंग है, उसके नीचे ये मेटल का है, गोल्डन मेटल का, उसके नीचे आपको पिंक वाले बेस मिल जाते हैं और ऊपर बीड्स मिल जाते हैं आपके पिंक बेस में। और मुझे ये एक्चुअली मैंने इसको उल्टे डाले हैं, इसको ऐसे डालना था। देखो ये एडजस्ट भी हो गया और इसके शेप मुझे बहुत पसंद आए। छोटा सा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और इसके मैं दिखाती हूँ पीछे वाले रिंग, देखो ये ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करके डाल सकते हो। हर एक रिंग के यहाँ पे होते हैं, इसके जो रिंग वाले पार्ट होते हैं ना, जो फिंगर में आपको डालना है वो यहाँ पे होते हैं, बट ये नीचे है, तो आपको आइदर इसको ऐसे ऊपर करके डालना है या आपको ऐसे घुमा के डालना है, आपको ऐसे घुमा के ऊपर की तरफ रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो ऐसा ही, तो इसके क्वालिटी भी मुझे काफ़ी पसंद आए और इसके डिज़ाइन तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आए। सारे जो है ट्रेडिशनल है, एक दो है जो वेस्टर्न के साथ जाते हैं, बट दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल और मेरी तरफ से तो 100% अप्रूव है।
नेक्स्ट फ्रॉम द सेम आर्टिकल, ग्रीन बीड्स के साथ है अंदर मिरर, कितना सुंदर लग रहे हैं और कुंदन का काम है। मुझे ना ये जो फोटो है आर्टिकल में, इसको देख के नहीं लग रहा था कि ये मिरर है, बट ये तो बहुत सुंदर सा एक मिरर है। आई थिंक आपको लाइट रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है इसके अंदर, बहुत सुंदर सा, बहुत ब्राइट वाइब्रेंट कलर में है, मुझे बहुत पसंद आए। ये भी सेम है, बीच में रिंग नहीं है, रिंग थोड़ा सा नीचे है। और ये देखो पिछले बार क्या हुआ, ये जो बिट्स थे वो खोल के आ रहे थे, बट इसके जो डिज़ाइन है बीच बीच में लॉक है, तो ये बहुत सही है। तो इसके जो क्वालिटी, वाओ देखो कितना सुंदर। आप भी इसको ऐसे भी डाल सकते हो, नीचे करके भी डाल सकते हो, नीचे ज़्यादा मुझे कम्फर्टेबल और ज़्यादा एडजस्टेबल लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे कुंदन और बीड्स का काम, बीच में जो मिरर वर्क है बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे वाले ग्रीन कलर के, गोल्डन और ग्रीन के आप लहंगे डालो, वैसे आप सेट डाल लो और ऐसे आप एक रिंग डाल लो, बहुत सुंदर लगने वाली है। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी तरफ से तो ये भी अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल और अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन अप्रूव्ड। नेक्स्ट फ्रॉम द सेम आर्टिकल, इसके डिज़ाइन देखो कैसे है। देखा, ये नया वाला एक डिज़ाइन है और इसके बीच में है रिंग और कलर मीनाकारी स्काई ब्लू और पीची पिंक में, बीच में कुंदन का भी काम है। बहुत सुंदर सा कम्बिनेशन है और इसके सारे जो क्वालिटी इश्यूज है वो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा दिस वन, प्लेन सा है, बहुत ज़्यादा हैवी या ऐसे कुछ नहीं है, प्लेन सा है। एक गाउन डाल रहे हो, एथनिक गाउन, उसके साथ ऐसे वाले डाल रहे हो, थोड़ा सा शेडो दे देती हूँ आपको पता चल जाएगा। ऐसे है इसके ओरिजिनल कलर, जैसे था एग्जैक्टली वैसे ही है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, ये भी मेरी तरफ से 100% अप्रूव्ड। और क्या बताऊँ, ज़्यादातर इस अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू द मीनाकारी काम, ये अप्रूव्ड है। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट फ्रॉम अगेन ज़वेरी पर्ल सेट ऑफ टू मल्टी कलर मीनाकारी फ्यूशन वेयर एडजस्टेबल फिंगरिंग फॉर रोमन। तो ये फ्यूशन स्टाइल में है और मुझे मीनाकारी फ्यूशन स्टाइल बहुत पसंद आते हैं जो कि इसमें है, और ये तीनों के नहीं दोनों के कॉम्बो में है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, वन बाई वन चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन, कितना सुंदर सा इसके डिज़ाइन है, ये फ्लावर और नीचे की तरफ झुमके, अगर आप एक देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इयर रिंग है या ये फिंगर रिंग है। ये देखो इयर रिंग होने से भी अच्छा होता ना, सेम डिज़ाइन का आई थिंक मिलते हैं अमेजोन पे। तो ये पूरे के पूरे मीनाकारी है, इसमें कोई भी कुंदन नहीं है, कोई भी स्टोन या बीड्स नहीं है। और इसके जो क्वालिटी है ये मुझे बाकी के सारे रिंगों से कई ज़्यादा अच्छे लगे। ये नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, पीची पिंक और डार्क पिंक के कॉम्बिनेशन में है और ये गोल्डन बेस में है। तो इसको डाल लेते हैं, सारे एडजस्टेबल है, नया करके बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो ये नीचे वाले पार्ट है झुमके वाले, एक्चुअली झुमका नहीं है, फिक्स्ड है, तो ये आपको नीचे की तरफ देना है। तो आपको थोड़ा सा शेड में ये दिखा देती हूँ, ज़्यादा लाइट में ना ओरिजिनल कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ऐसे है इसके ओरिजिनल कलर, मुझे तो काफ़ी पसंद आए। और ये ना प्लेन वाले कुछ ड्रेसेस के साथ भी डाल सकते हो, बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। कोई भी रिंग नहीं डाल रहे हो, कोई भी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं, जस्ट इसको वेयर कर लो, आपके पास सुपर जाने वाली है। मेरी तरफ से तो ये 100% अप्रूव्ड है। ओह, दोनों के तो प्राइस ही नहीं बताए, कॉम्बो में इसके प्राइस है 299 रुपीज़। नेक्स्ट जो रिंग है सेम कॉम्बो में, उसके डिज़ाइन मुझे इतने पसंद आए, अगेन एडजस्टेबल है। देखो ऐसे हाफ मून की तरह है, मीनाकारी कोई भी कुंदन नहीं है, ग्रीन है, रेड है और डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, रेड है और डार्क ग्रीन है। इसको डाल लेती हूँ, वाओ बहुत यूनिक सा, जो आपको मेरे हॉल्स में दिखेंगे ना सारे यूनिक कलेक्शंस होंगे। अगर आप ऐसे वाले एक रिंग डाल के कोई भी ओकेशन में चले जाओ, मेन अट्रैक्शन तो आप ही बनोगे। दिस वन कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आए ये वाले रिंग। आपको कैसे लगे डेफिनेटली बताना, अगर चाहिए तो अगेन बता रही हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो अप्रूव्ड है, जो रिजेक्टेड है, सारे लिंक्स मिल जाएंगे।
ये कुछ इस तरह से है, कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिंग्स होते हैं, डालते हो बड़ा है, शेप अच्छा नहीं है, शेप कई तरह के हैं, जैसे कि हाफ मून है, रेक्टेंगल, राउंड, आपको फिंगर्स को फोल्ड करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं ये, मेरी तरफ से ये भी अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स अप्रूव्ड। अगेन जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ज़वेरी पर्ल से एडजस्टेबल फिंगर रिंग है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और ये सेट ऑफ वन है, इसके अंदर कोई भी कॉम्बो नहीं है। इसके एक के ही प्राइस आपको मिलते हैं 265 रुपीज़। ग्रीन मीनाकारी है, ज़्यादातर मेरे रिंग्स तक ग्रीन में ही आए हुए हैं जो मुझे यूनिक लग रहे थे। बीच में कुंदन है और साइड में बीड्स है, बीड्स लॉक किया हुआ है, और प्राइस तो मैंने बता ही दिया है 265 रुपीज़ फॉर वन फिंगर रिंग। तो इसको अनबॉक्स तो मैंने कर लिए है, तो अभी इसके क्वालिटी वगैरह सारे कुछ चेक कर लेते हैं। दिस वन एडजस्ट करने के बाद ढीला पड़ रहा है मुझे, हाँ एडजस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हुआ है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये कुछ मुझे अच्छा तो लगा है डिज़ाइन, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसी लगे, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा सुंदर रिंग्स मुझे ऐसे 300 के अंदर मिल गए, वो भी कॉम्बो में। अगर आप ये एक ले लेते हो 265 रुपीज़ से, तो आपको शायद कॉम्बो की तरफ जाना चाहिए। उसमें भी कई सारे डिज़ाइंस आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे मीनाकारी कलर्स में। तो ये तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस मैं ये रिजेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं दिखाने वाली हूँ वो वॉयला से है, वॉयला वुमेन मल्टी कलर सिल्वर प्लेटेड एनामल्ड मिरर डिज़ाइन फिंगर रिंग। तो इसमें मिरर भी है, एनामल भी है, इसमें मीनाकारी भी है, और ये वॉयला के है। जैसे वॉयला के ज़्यादातर ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल मिलते हैं, और ये तो ब्रांडेड है, ज़्यादा ब्रांडेड है, मतलब थोड़ा सा ये वेल नोन ब्रांडेड है। तो इसके प्राइस, एक ही फिंगर रिंग का प्राइस है 295 रुपीज़। सो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, वॉयला के पैकेजिंग में ही ये आए हुए हैं। सो लेट मी ओपन दिस वन। एक ही है, छोटा सा, इसके लिए इतना बड़ा सा बक्सा दे दिया है हमें ये। इसमें ब्रांड टैग वगैरह लगे हुए हैं, 499 रुपीज़। तो इसको थोड़ा सा ना कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, इसमें कहा है कि ये मिरर है, मिरर मल्टी कलर गोल्ड प्लेटेड एनामल्ड मिरर डिज़ाइन फिंगर रिंग, बट मुझे यहाँ पे कहीं भी मिरर नहीं नज़र आया। बीच में कुंदन तो है और थोड़ा सा मीनाकारी है, बीच में ऑक्सीडाइज का जो मेटल होते हैं ना वॉयला के, काफ़ी अच्छे होते हैं, सही होते हैं, और मतलब कि मटेरियल वाइज काफ़ी सही है। और इसमें वॉयला के लोगो भी पीछे लगे हुए हैं, ये नीचे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वॉयला के पीछे लोगो लगे हुए होते हैं। जो मुझे चीज़ इसके थोड़ा सा गड़बड़ लगी वो है, ये जो डिज़ाइन है ना इसके ऊपर सारे ऐसे उठे उठे सा डिज़ाइन है, बट एक ऐसे यहाँ पे टूटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है वो यहाँ पे टूटे हुए हैं, जहाँ पे मैं अपने नेल्स रख रही हूँ ये सारे है यहाँ पे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारे है। तो इसके अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही नहीं लगे, और इसके डिज़ाइन, इसमें कोई भी मिरर नहीं है, तो इसको डाल के तो एक बार देख सकते हैं, ऐसे वाले हम डाल सकते हैं इसको। मुझे लगा था इसको हम ऐसे ऐसे करके डालेंगे लंबा करके, बट ये ना ऐसे है, ऐसे हॉराइजेंटली है। इसके डिज़ाइन, इससे कई ज़्यादा डिज़ाइन अच्छे मुझे ज़वेरी पर्ल्स के लगे, तो इसको मैं रिजेक्ट करती हूँ हर तरफ से। इसके जो प्राइस है, इसके जो क्वालिटी है, और इसके जो डिज़ाइन है, कुछ भी मुझे सही नहीं लगे। सो दिस वन इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम मी। नेक्स्ट जो आर्टिकल दिखाने वाली हूँ, ज़वेरी पर्ल्स कॉम्बो ऑफ 2 मीनाकारी एथनिक एडजस्टेबल फिंगर रिंग फॉर वुमन। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, इसके प्राइस बता देती हूँ, 322 रुपीज़ में आपको 2 मिल जाते हैं, दोनों के कॉम्बो मिल जाते हैं। तो इसको खोल के थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। बापरे, इतने सारे बबल रैप कर दिया है, ये मिल गया मुझे खजाना। तो चलो इसको देख लेते हैं, एक ही पैकेट में दोनों था। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये ऐसे है,
जो इसके डिजाइन फोटो में दिया हुआ है ना, वो ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगे, जो कि इसके जो छोटे छोटे काम हैं अंदर, ये इतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे। कुंदन का काम ठीक है, सही है, बट बीच का जो काम है ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। आपको मैं थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगी शेड में। ये देखो फोटो में कैसे है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है, ज़्यादा ओवरसाइज लग रहे हैं, और काफ़ी गोल्डन काम जो है वो नीट एंड क्लीन सा लग रहे हैं, जो कि मुझे ओरिजिनली नहीं लगा। पीछे वाले जो फिंगर डालने की जो रिंग है वो तो सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट है या ऐसे वाले हैं, बेंड हो चुके हैं, जिसको मैं फिंगर में डाल ही नहीं सकती, डाल के मैं दिखा ही नहीं सकती। एडजस्टेबल है बट अकॉर्डिंग टू ऑल द थिंग्स इसको मैं रिजेक्ट करती हूँ। इसके साथ जो कॉम्बो में था ग्रीन एंड पिंक एंड कुंदन गोल्डन बेस के ऊपर ये वाले रिंग, इसके पीछे रिंग डालने की जगह भी सही है, बट ये जो मुझे लगे आप फोटो में देखो, ये ग्रीन कलर के ऊपर गोल्डन सा शेड है जो कि इसके ऊपर है नहीं, और इसके जो ग्रीन कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, ज़्यादा डार्क लग रहा है। इसमें जो ग्रीन है वो बहुत ज़्यादा सोवर है, जो इसमें मुझे नहीं आ रहे हैं, और इसके जो गोल्डन कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कड़कपन सा लग रहा है, ऐसे नहीं कि स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा रॉयल है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये भी मेरी तरफ से रिजेक्टेड ही है, तो एक बार डाल के दिखा देती हूँ। ऐसा वाला है, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है, दिखाने जैसा वैसे कुछ अट्रैक्शन भी नहीं लग रहे हैं मुझे, तो ये कुछ इस तरह से है, बट मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप परचेस कर सकते हो और करके ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि अमेज़न से अगर आप परचेस करोगे तो आपको रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको करने वाली हूँ। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम ज़वेरी पर्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ज़वेरी पर्स सेट ऑफ 3 मल्टीकलर मीनाकारी फ्लोरल एथनिक कुंदन एडजस्टेबल रिंग्स फॉर वोमन। तो ये भी तीनों के हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि जो तीनों के कम्बिनेशन में है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही आ रहे हैं। तो ये है तीनों के जो कम्बिनेशन वाले पैकेट है, वो वन बाई वन आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वन इज दिस वन, एग्जैक्टली जैसे है फोटो में आप देखो एग्जैक्टली वैसे ही है, थोड़ा सा शेड में देखो आपको पता चलेगा ऐसे ही है। इसमें बीड्स है, मीनाकारी है, कुंदन है, और बीड्स जो है लॉक है। मैं इसको डाल के दिखा देती हूँ, फ्लावर जिस तरह से सीधा है आपको वैसे ही डालना है, दिस वन ऐसे ही डालना है। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, आजकल ना ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा डार्क, ऐसे चकमक चकमक वाला कलर्स अभी नहीं चलते हैं, सारे जो है ऑफ कलर चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वाइब और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आपको ऐसे ही ऑफ कलर परचेस करना है अपने ड्रेस के साथ। बहुत सुंदर लगे मुझे इसके सारे। प्राइस तीनों मिल रहे हैं मुझे 399 रुपीज़ में, और इसके क्वालिटी, इसके जो बाइंडिंग्स है, इसके जो मटेरियल है, इसके डिज़ाइन पैटर्न रेक्टेंगुलर है, काफ़ी पसंद आए। मेरी तरफ से ये 100% अप्रूव्ड। नेक्स्ट फ्रॉम द सेम शेड, ये वाइट और ब्लू में है, साथ में कुंदन। कितना यूनिक सा कलेक्शन है मुझे ज़वेरी पर्ल्स के, और स्टोन्स भी है, बीच में कुंदन है और साइड में स्टोन्स है, जैसे कि ये दिख ही रहे हैं फोटो में कि साइड में स्टोन्स है। जैसे कि था वह एग्जैक्टली वैसे ही है। इसके जो नीट एंड क्लीन वाला काम है, इसके जो बाइंडिंग्स है, इसके जो बीड्स है, लॉक्स है, पीछे वाले रिंग है, डिज़ाइन सारे कुछ मैच कर गए जो ओरिजिनली था। और ये वाइट में है, और मुझे ऐसे वाइट में ब्लू में थोड़ा सा यूनिक दिखते हैं, जो चीज़ें हैं ना सारी यूनिक दिखते हैं। ट्रेडिशनल वे में तो हम सभी जाते हैं ब्लू ग्रीन पिंक रेड, बट ऐसे वाले ऑफ कलर अभी जो चल रहे हैं आपको वैसे ही ट्रेंड में रहना है। मेरी तरफ से ये भी सारे तरफ से 100% अप्रूव्ड। तो चलो आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। फ्रॉम द सेम सेट ये है पिंक बीड्स में कुंदन और पर्ल का। बीच में आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे पर्ल, इस बीच में आपको मिलते हैं कुंदन, चारों तरफ ये फ्लावर जैसा कुंदन, और ये लॉक किया हुआ दो दो बीड्स के ऐसे वाले कम्बिनेशन। कलर कम्बिनेशन आप देखो काफ़ी सुंदर है। कोई भी ट्रेडिशनल आप ड्रेस डालो, ऐसे कुंदन वाले चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि साड़ी लहंगा गाउन शरारा कुर्ता सेट लहंगा सेट किसी के साथ भी आपको ये कुंदन डाल सकते हो।
मुझे तो ये बहुत पसंद आए। मटेरियल बहुत सुंदर है, इसमें कोई भी मीनाकारी काम नहीं है। इसमें मीनाकारी लिखा हुआ है बट इसमें दो में ही मीनाकारी है। ये जो वाइट है इसमें मीनाकारी है और ये जो पिंक वाला है इसमें मीनाकारी है, बट इसमें सिर्फ कुंदन और बीड्स का काम है। मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और सारे कुछ देखते हुए ये भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। आज के लास्ट आर्टिकल दिखाने वाली हूँ अगेन फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स और सेट ऑफ 3 मल्टी कलर मीनाकारी फ्लोरल डिज़ाइन एथेनिक एडजस्टेबल रिंग फॉर वुमन। तो इसमें है तीनों रिंग, एक पीछे की तरफ दो सामने की तरफ। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और आपको इसके सारे चेकिंग करके बताते हैं। फर्स्ट वन मुझे ये मिला जो कि ग्रेडियंट में है, बट दिस वन इज ब्रोकन, टूटा हुआ है। इसके जो रिंग है ये इसमें ही आ गया और ये टूटा हुआ मिला मुझे, ये देखो। तो इसको तो मैं डाल के नहीं दिखा सकती, डिज़ाइन कुछ इस तरह से थे बट इसके क्वालिटी इशू के वजह से पहले ही ये रिजेक्टेड हो गया, तो इसको साइड कर देते, इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं दिस वन, एग्जैक्टली जैसे था वैसे ही तो मुझे लगे ये। आई डोंट नो कि इसके क्वालिटी कैसे होंगे, सेम सेट के एक तो गया और ये तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके डिज़ाइन ये भी ग्रीन के ऊपर ही है, बीच में पिंक फ्लोरल है, फ्लावर है और बीच में एक कुंदन भी है। तो इसको डाल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये है, एडजस्ट थोड़ा सा करना है, ये एकदम ही क्लोज किया हुआ है रिंग, दिस वन, ये कुछ इस तरह से लगे मुझे, ऐसे है इसके कलर, काफ़ी सही है। वैसे बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने देख लिए हैं ना, उसके बाद ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहे। वैसे चीज़ अच्छी है, अगर आप इसको अलग से ख़रीदना चाहते हो तो दिस वन इज़ फाइन, और बाकी सारे जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, बट ये भी ठीक है, ठीक ठाक है, उतना भी ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे, ठीक है, मेरी तरफ से अप्रूव है। ओ आपको तो ये तीनों के प्राइस ही नहीं बताए, ये तीनों के प्राइस है 299 रुपीज़। तो अभी आपको लास्ट वन दिखा देते हैं, ये गोल्डन बेस के ऊपर पूरे के पूरे कुंदन के हैं। पीछे ऐसे देखो सारे जो शेप से अलग अलग से कुंदन बिठाए हुए हैं, कोई भी मुझे ख़राब नहीं लगे। और बीच में ना थोड़ा सा स्टोन भी है, आई थिंक आपको वीडियो में दिखेगा नहीं बट बीच में छोटा छोटा स्टोन भी है, मतलब पैटर्न करके ही है, ऐसा नहीं कि कहीं बिठा दिया हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे कुंदन भरे हुए हैं, आप कुंदन के चीज़ें आप किसी भी चीज़ के साथ डाल सकते हो, इवन आप इसको वेस्टर्न के साथ भी डाल सकते हो ऐसे वाले कुंदन के चीज़ें। तो ये है कुछ इस तरह से। वैसे कुंदन, सिर्फ कुंदन लोगों को पसंद आते हैं, ना कोई बीड्स है, ना कोई मीनाकारी है, ना कुछ है, तो ऐसे है। तो यही था लास्ट वन, सारे जो 18 to 19 शायद मैंने आपने काउंट किया, तो मैंने तो काउंट नहीं किया, मैं भूल गई थी कितने सारे मैंने ऑर्डर किए थे, सारे मैंने आपको दिखा दिए। कुछ रिजेक्ट हुआ, कुछ अप्रूव हुआ, ओके लास्ट वन इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम मी। तो काफ़ी ओके ओके टाइप का लगा मुझे लास्ट में जो आया, और बाकी के सारे जो बहुत पसंद आए वो तो आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल गया। तो मुझे बहुत पसंद आया, अगर आपको चाहिए सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो देख लेना। और आपको मेरे वीडियो के नए टाइप कैसे लग रहे हैं डेफिनेटली मुझे बताना। तो यही था, नेक्स्ट आएंगे और एक हॉल और उसमें ज्वेलरी सेट हॉल आएंगे, अमेजोन ज्वेलरी सेट हॉल, उसके लिए वेट ज़रूर करना। आज के वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, कौन से वाले सेटअप को पसंद आए, कौन से वाले रिंग के सेटअप को पसंद आए कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।